तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों इस चैनल यानी कि न्यूज जंक्शन के अंदर एक बार फिर से। और आज मैं बात करने वाला हूँ वॉर फिल्म के बारे में जो कि ऋतिक वर्सेस टाइगर यानी कि ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म है जो कि 2 अक्टूबर यानी कि आज अब रिलीज हो चुकी है। इसका काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला। सभी फैंस चाहे वो टाइगर के हो चाहे वो ऋतिक रोशन के हो सभी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स भी इसको काफी अच्छे स्टार्स देते हुए नजर आए हैं। लेकिन सभी में एक कंफ्यूजन रह चुका है। अगर आप लोगों ने भी ये मूवी देखी होगी तो आपको भी एक कंफ्यूजन तो जरूर क्लिक कर रहा होगा जो कि है कि आखिरकार वॉर तो हमने देख ली, क्या हम देखेंगे वॉर 2? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो उसके जो सारे राज हैं जो कि सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि बताते हैं कि वॉर 2 आ सकती है वो मैं इसमें बताने वाला हूं। तो इसको पूरा आखिर तक देखिएगा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। अब बात करते हैं वॉर फिल्म की। दोस्तों पहले फिल्म स्टार्ट होती है टाइगर श्रॉफ की एंट्री के साथ में और उसके बाद में ऋतिक रोशन, जो कि सिर्फ एंट्रीज ही काफी है इस फिल्म को सुपर डुपर हिट साबित होने के लिए। इसके गाने काफी ज्यादा लाजवाब और साथ ही साथ जो मिशंस जो कि लास्ट में जाके कनेक्ट होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा। लेकिन अब बात करें अगर वॉर 2 के बारे में तो अभी भी कबीर मिशन पे है। जी हाँ दोस्तों, लास्ट में वो अभी भी बोल के जाते हैं कि मैं अभी भी इस मिशन पर हूं और सब मिशंस मैं कंप्लीट जरूर करूंगा। और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एक बात है लेकिन वो इसमें मैं कहूंगा नहीं क्योंकि स्पॉइलर है वो एक काइंड ऑफ। तो बात करें अगर वॉर 2 के बारे में तो वॉर 2 भी आपके सामने अब जल्द आउट हो सकती है। इसकी जो शूटिंग है वो अगले साल के बाद स्टार्ट हो सकती है क्योंकि अभी ऋतिक रोशन के पास सत्ते पे सत्ता है और टाइगर श्रॉफ के पास रैम्बो है जो कि काफी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स हैं। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन क्या एक बार फिर से वॉर 2 में नजर आते हैं। हालांकि एक बंदे के चांसेस कम है, अब वो आप समझ जाएंगे बाद में जब आप इस मूवी को देख लेंगे। दोस्तों ये फिल्म काफी ज्यादा एपिक होने वाली है और इसने बॉलीवुड का जो स्तर है, जो एक्शन का स्तर है, जो वीएफएक्स का स्तर है और पूरे ओवरऑल अगर हम इस फिल्म को देखते हैं तो आपको जीरो डिसअपॉइंटमेंट आप घर लेकर जाने वाले हैं। लेकिन साथ में सस्पेंस थ्रिलर एक्शन भरपूर है और जो स्टोरी है वो हर चीज हर एक सीन से कनेक्ट करती हुई जाती है और ये ही सबसे माइंड ब्लोइंग बात है इस फिल्म की क्योंकि हर बार हर फिल्म में सिर्फ एक स्टोरी बेस ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं लैक करता है, जो कहीं ना कहीं लूज पड़ जाता है और जनता वहां पर अपना जो इंटरेस्ट है खो देती है। लेकिन इसके अंदर पूरा बिल्डअप दिया है, पूरा जो जनता के साथ में एंगेज किया है उनको पूरी फिल्म के साथ में, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब बात करें जैसा कि वॉर 2 की मैंने बात करी तो वॉर 2 आपको जल्द ही 2 से 3 साल में जरूर मिलने वाली है क्योंकि इस फिल्म को बनने में काफी टाइम लगेगा क्योंकि इसके अंदर बहुत बारीकी से उन्होंने पिछली बार काम किया था। और तारीफ करनी पड़ेगी इसके डायरेक्टर यानी कि सिद्धार्थ आनंद की जिन्होंने ये स्टोरी इतने अच्छे तरीके से स्क्रीन पर प्ले करी और स्क्रीन पे इसका काफी ज्यादा लाजवाब था। अब बात करें इसके राइटर की तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छे थे जिनका नाम है अब्बास जो कि पहले भी कई फिल्म लिख चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा है कि वॉर 2 आएगी या नहीं और कोई आंसर आ रहा है तो जरूर कमेंट करके जरूर बताइए। और आप अगर फिल्म ये देख चुके हैं तो ऋतिक की टीम में हो या फिर टाइगर की टीम में हो कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर दबा देना। बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही अलग अपडेट्स के साथ में।